हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंस्टेंट ठंडाई मसाला पाउडर की रेसिपी। बिना किसी मिलावट के बिल्कुल मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी। और भी बहुत सारे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि इस पाउडर से आप क्या क्या बना सकते हैं, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। ठंडाई पीने के अनगिनत फायदे हैं। गर्मियों के मौसम में ये हमारे शरीर को ठंडा रखता है, ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर में ले लिया है 1/4 कप आलमंड्स यानी कि बादाम। उसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 कप काजू। काजू को टुकड़ा करके लिया है मैंने, आप चाहे तो होल काजू भी ले सकते हैं। उसमें मैंने ऐड कर दिया है 1/4 कप पिस्ता। और फिर मैं उसमें ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच खसखस और 1 बड़ा चम्मच खरबूजे के बीज। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून सौंफ। मैंने यहाँ पे भुना हुआ सौंफ लिया है, लेकिन आप चाहे तो जो नॉर्मल वाला आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खसखस, सौंफ और खरबूजे के बीज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छा रखते हैं। साथ ही इसमें ऐड कर दिया है 10 से 12 काली मिर्च और 5 से 6 हरी इलायची। अब इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर के लिए हम ऐड करेंगे सैफरन यानी कि केसर। 10 से 12 स्ट्रैंड्स ऐड कर दीजिए इसमें। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच रोज पेटल्स, सूखा हुआ रोज का पेटल्स है ये। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप चीनी। अगर आप चीनी नहीं लेना पसंद करते तो इसकी जगह आप यहाँ पे देसी खांड डाल सकते हैं या फिर मिश्री का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे पल्स मोड पे। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पाउडर हो चुका है। हमें इसे कंटिन्यूस नहीं चलाना है, वरना ये जो बादाम काजू डाला था वो अपना तेल रिलीज कर देंगे और हमारा पाउडर एकदम चिपचिपा बन जाएगा। हम इसे लगभग 2 महीने तक अपने फ्रिज के अंदर एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे मैंने 1/4 कप गरम दूध लिया है और उसमें मैं 1 बड़ा चम्मच ठंडाई का पाउडर ऐड करके इसे रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि सारे जो फ्लेवर्स है हमारे ठंडाई पाउडर के अच्छे से मिल जाए दूध के अंदर। लेकिन अगर आप तुरंत बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने वही मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है जिसमें मैंने पाउडर बनाया था और उसमें डाल दूंगी मैं ठंडाई वाला दूध। साथ में डालेंगे आइस क्यूब्स और 1 कप ठंडा दूध डालेंगे उसके ऊपर। उसके बाद हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे इसे और हमारी ठंडाई बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे हम ऊपर से गार्निश करेंगे कटे हुए पिस्ते के साथ और रोज पेटल्स के साथ। तो इस शिवरात्रि या होली आप भी इसे ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग।